हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में ये देखा गया है कि आज इसमें लगभग 80 ट्रेडिंग सेशन के बाद लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसके कारण के बारे में इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो लोअर सर्किट लगा है वो क्यों लगा है, और ये जो लोअर सर्किट लगा है ये कब तक जारी रहने वाला है। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे क्या इसमें ऑपरेटर की जो भूमिका है वो निकल के आ रही है या वो शांत होके बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज इस कंपनी में लगभग 2% का ये लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो लोअर सर्किट लगा है इसके पीछे अगर मेन कारण की अगर हम बात करें, तो ये चूंकि आज मार्केट में पिछले कुछ दिनों से लगातार निगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, और कल जब मार्केट बंद हुआ था तो लगभग 160 पॉइंट की गिरावट देखी गई थी, और आज मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था, और लास्ट में जब मार्केट बंद हुआ तो इसमें 3 पॉइंट की तेजी देखी गई। लेकिन वैश्विक मार्केट में अच्छी खासी जो है बिकवाली देखने को मिल रही है, और वैश्विक मार्केट में एक तरीके से कहा जाए तो नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, का प्रभाव इंडियन मार्केट पे भी पड़ रहा है। और अभी हाल ही में सेबी के डायरेक्टर हैं माधुरी बुच जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो भी कंपनियां हैं, जो भी शेयर हैं, वो अपने ओवर वैल्यूएशन के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही हैं। उनका जो फंडामेंटल है उन कंपनियों के साथ मैच नहीं करता है, लेकिन उसमें अच्छे खासा जो है तेज़ी देखी जा रही है, जो कि एक क्वेश्चन मार्क इन पे लगाता है। इसलिए जब से ये स्टेटमेंट निकल के सामने आया है उसके बाद देखा जा रहा है कि जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जो पेनी शेयर हैं, जो मिड कैप कंपनियां हैं, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण इस जो निफ्टी है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी का एक मार जो है आज एवांस टेक्नोलॉजी को भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि इस कंपनी में लगभग 78 से 80 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा था, और ये जो कंपनी कभी 0.04 पैसे के आसपास हुआ करती थी, आज इस ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1.70 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं इनका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही वीक है। इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है मात्र और मात्र 0.68% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है, इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें बुरी तरीके से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जब हम इस कंपनी से संबंधित फंडामेंटल एनालिसिस किए थे तो उसमें आपको बताए थे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, और इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए जो कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न डालें। क्योंकि ये जो कंपनी शेयर होते हैं जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट में बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक बन के रह जाते हैं, और ये भी कंपनी एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक बन के फिलहाल रहते हुए नज़र आ रही है, और आज इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये लोअर सर्किट कहाँ तक लगेगा ये तो अब देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये लोअर सर्किट और लगता जाएगा और ये जो शेयर नीचे आता जाएगा, जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे उनमें बेचैनी बढ़ती जाएगी कि इसमें बिकवाली नहीं हो रही है और इसमें नहीं शेयर बेचने के लिए मौका मिल रहा है। और जो लोग ये कह रहे थे कि इसमें खरीदने को मौका नहीं मिल रहा है, उनको फिलहाल यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल रही है, अतः वो चाहें तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेके और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके इस कंपनी के बारे में कुछ खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है 5 दिन में लगभग 4% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है, और यहाँ पे आप देखिए ये लगातार अपर सर्किट में देखने को मिल रही थी। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका ट्रेंड अपवर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है लेफ्ट टू राइट, और ये तेजी लगातार बनते हुए दिखाई दी थी, और ये लगभग 33 से 34% रिटर्न निकाल के दे चुकी है 1 महीने में।
वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि 546% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को ये कंपनी दे चुकी है। हम बात करें एयरटेल डेट की तो 102% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही 1 साल की आप बात करेंगे तो ये जो कंपनी है पूरा 4100% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को निकाल के दे चुकी है मात्र 1 साल में। और यही मेन कारण है जिसके फलस्वरूप इसमें जो अब प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गई है और ये जो कंपनी है लोअर सर्किट में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें कि क्या इससे संबंधित कुछ अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आया है क्या, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी आज इसमें 12 मार्च को इसमें कोई भी न्यूज आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो लास्ट न्यूज निकल के सामने आया था वो 24 फरवरी को निकल के आया था, उसके बाद इसमें कोई भी न्यूज आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें आज के डिलीवरी पैटर्न उठाया गया है, जो डिलीवरी उठाई गई है उसकी, तो आज इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है 1 करोड़ की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी में लोअर सर्किट लगने के बावजूद भी 1 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग होना ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो कंपनी है उस पर जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा अभी भी बना हुआ है और इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा इसमें माल डिलीवरी के रूप में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जो कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न डाले, क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी शेयर है और इस पेनी शेयर में जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है वो मात्र और मात्र 0.68% के आसपास बना हुआ है और जो पब्लिक की होल्डिंग है उसके उनके पास लगभग 99% के आसपास पब्लिक होल्डिंग बनी हुई है। इसलिए ये जो कंपनी है बहुत ही रिस्की कंपनी के रूप में निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और यहीं पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस कंपनी से संबंधित जो फुल एनालिसिस वाला वीडियो है आपको इसके इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि इस कंपनी पे कितना डेप्ट है, इस कंपनी का रिजर्व कितना है, इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें कौन कौन सी हिस्सेदारी लेके ये बैठे हैं, इसका मार्केट कैप कितना है, इसका ROC कितना है, इसका ROE कितना है, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल है उसके बारे में भी वहाँ से जाके जानकारी आप ले सकते हैं कि ये जो कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो हम अगर बात करें इसमें ऑपरेटर की भूमिका की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 मार्च को जो ऑपरेटर हैं मल्टीप्लायर शेयर वो अच्छा खासा माल सेलिंग करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी और उस दिन भी आपको बताया था कि आप ध्यान से आगे बढ़िएगा क्योंकि इसमें लगातार सेलिंग जारी है और परचेजिंग के तुलना में जो सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी संदर्भ में 1 मार्च को लगभग 1 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग यानी सेलिंग होते हुए दिखाई दी थी और उसी समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो जो अपर सर्किट में लगातार बात कर रही है वो लोअर सर्किट में भी जाती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि आज सच साबित हुआ और ये जो कंपनी है लोअर सर्किट में जाती हुई दिखाई दे चुकी है। अब हम अगर बात करें इसमें जो ऑपरेटर हैं उनकी अदर भूमिका की, तो यहाँ 15 दिसंबर को भी इसमें अच्छी खासी सेलिंग देखी गई थी, 8 नवंबर को भी देखी गई थी और इसके अलावा आगे आप बढ़ते जाइए बीच में बस एक जो है परचेजिंग आई है वो भी 30 अगस्त को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नवंबर दिसंबर और उसके बाद अब मार्च में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। अर्थात कहने का मतलब बस एक ही है कि इस कंपनी में जो ऑपरेटर हैं वो गजब की भूमिका में देखने को मिल रहे हैं और आज भी लगभग 1 करोड़ शेयरों की जो ट्रेडिंग हुई है वो और डिलीवरी उठाई गई है उसमें पक्का कोई ना कोई ऑपरेटर सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसलिए ये जो शेयर है एक ऑपरेटर ड्रिवेन शेयर हो बन के रह गया है, इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।